वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और जहां पे जरूरत होगी तो टिक का भी यूज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि इन संख्याओं का योग 350 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे जो इजिली सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के, तो यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले एक छोटी संख्या हमें माननी होगी और एक बड़ी संख्या माननी होगी, ठीक है। उसको एक्स वाई भी मान सकते हैं या कुछ और भी मान सकते हैं। तो हम बड़ी संख्या को मान लेते हैं एक और छोटी संख्या को मान लेते हैं दो, या आप एक्स वाई भी मान सकते हैं। मगर उससे पहले इस क्वेश्चन को आपको पूरा देखना होगा कि कैसे हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद आप एक्स वाई मान के करिए, चाहे इस तरह से करिए, आसानी से हो जाएगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले बड़ी संख्या को एक मान लिया और छोटी संख्या को दो मान लिया। आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% यानी इसका 40%, तो बड़ी संख्या को हमने एक मानना है, तो इसका 40% परसेंट की जगह पे 100 आ जाएगा, परसेंट जाएगा तो नीचे 100 आ जाएगा, 40% छोटी संख्या के 60%। छोटी संख्या कौन है, दो, यानी दो का 60% के बराबर है, यानी ये दोनों बराबर है, तो बराबर का हम निशान लगा देंगे। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहां से 100 और 100 तो कट जाएगा, ये जीरो भी कट जाएगा, तो ये दो आ जाएगा, इसे एक के नीचे हम ले आएंगे, ठीक है, बराबर, और ये छः बटा और ये चार नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको और हम सॉल्व कर सकते हैं, तो दो तीन छः और दो दूनी चार बराबर 3/2। तो ये एक को हमने क्या माना था, बड़ी संख्या, दो को माना था छोटी संख्या, तो ये तीन है ये है बड़ी संख्या और ये जो दो है ये है छोटी संख्या। अब आगे बढ़ते हैं, यदि इन संख्याओं का योग 350 हो, यानी इन दोनों संख्याओं का योग, इन दोनों संख्याओं का योग होगा क्या, 3 और 2 5 5 होगा ना, इन दोनों संख्याओं का योग, और इनका योग है कितना 350 हो, तो 5 बराबर किसके है 350 के, तो बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या कौन सी हमने मानी थी, एक, एक ये है यहाँ पे, और ये बड़ी संख्या है क्या 3, तो यानी 5 बराबर 350 है, तो 3 बराबर क्या होगा, यही हमें निकालना है। तो यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 7 35 और इनकी इनकी गुणा हो जाती है, तो ये हो जाएगा 3 7 21 और ये 0 210 210 छोटी संख्या होगी। 210 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन सी हो जाएगा। तो देखा, इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपने देखा कितनी इजीली हमने सॉल्व कर लिया। अब आप यहाँ पे चाहें तो एक्स वाई भी मान सकते हैं, बड़ी संख्या को एक, छोटी संख्या को वाई मान सकते हैं, तब भी क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आई होप अब आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उस क्वेश्चन को भी हम इसी तरह आसानी से सॉल्व करेंगे और जहां पे टिक लगेगी हम टिक भी बताएंगे। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी? अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरह से आसान बना के सॉल्व करेंगे जिससे जरा सा भी टाइम ना लगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप एक्स वाई मान के भी सॉल्व करते होंगे और सॉल्व हो जाता होगा, मगर उसमें थोड़ा सा तो टाइम लगता ही होगा। इस क्वेश्चन को हम थोड़ी टिक यूज करके सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने भी बताया था कि जहां पे जरूरत होगी तो हम टिक का भी यूज करेंगे, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 20% क्या है, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20%, तो 20% है, इस 20% को हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 20% को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा 1/5। कैसे चेंज करेंगे, 20% हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, 20 × 5 = 100, तो वही 1/5 आ जाएगा। अब देखिए बड़ी संख्या का, इस का से पहले जो संख्या लिखी हो, इस का से पहले जो संख्या लिखी हो वही संख्या उसके हर में होती है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी संख्या, का से पहले कौन सी बड़ी संख्या, तो यानी ये जो हर में है ये बड़ी संख्या, अगर यहाँ पे लिखी होती छोटी संख्या तो जो हर में होती वो छोटी संख्या होती, ठीक है। तो ये जो नीचे है ये कौन सी संख्या है, ये है बड़ी संख्या, और ये ऊपर क्या है, ये है अंतर, ये है अंतर, इसका बड़ी संख्या और छोटी संख्या का ये अंतर है। अब छोटी संख्या हमें निकालना है, तो छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, बड़ी संख्या तो पता चल गई और ये है छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या तो 5 है और ये है अंतर, तो छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या हो जाएगी 4, बड़ी संख्या से 1 को हम माइनस कर देंगे तो 4, तो 5 है बड़ी संख्या, 4 है छोटी संख्या, 5 से 4 जाएगा तभी तो 1 आएगा, यही तो अंतर दिया हुआ है। अब आगे पढ़ते हैं, यदि छोटी संख्या 20 हो तो छोटी संख्या है कितनी, 4 इसके बराबर है 20 के, यही तो क्वेश्चन में कह रहा है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या कितनी है 5, तो 5 बराबर क्या होगा, यही हमें निकालना है। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, और मैंने जो ट्रिक बताई है उसको भी ध्यान में रखेंगे, इजीली क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो 4 बराबर 20, तो 5 बराबर क्या होगा, तो यहां से इसको कैंसिल कर लेंगे, 4 × 5 = 20, 5 × 5 = 25,
तो 5 बराबर कितना होगा 25, यानी बड़ी संख्या कितनी है 25, जो कि ऑप्शन ए में है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, ट्रिक का भी यूज किया। जहां पे कोई ट्रिक नहीं लगेगी वहां पे हम ये भी बताएंगे क्वेश्चन को और कितना सॉर्ट करके हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं एक और क्वेश्चन और उसको भी हम अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। ये है तीसरा और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है किसी संख्या का 51% 714 है, तो उस संख्या का 25% क्या होगा। तो क्वेश्चन को अभी हमने बताया था कि क्वेश्चन को पढ़िएगा आराम से, तब क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। किसी संख्या का 51% कितना है 714, तो एक्स का 51% परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा और है कितना 714। तो अब ये एक्स जो है इसको हमें सॉल्व करना है, तो 51 से जब 714 को काटेंगे तो 14 बार में कट जाएगा, तो एक्स बराबर 14 और ये दो जीरो उधर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1400। तो x यानी वो संख्या कितनी आई 1400। अब क्या है, तो उस संख्या का क्या 25%, उस संख्या यानी 1400 का 25% हमें निकालना है। तो 1400 का 25% क्या होगा, दो जीरो से दो जीरो फिनिश हो जाएंगे, 14 और 25 का गुणा कर लेंगे, 25 चौके 100, कैरी आ जाएगा यहाँ पे 10, 25 से कम 25, 25 10 35, यानी उस संख्या जो है उसका 25% कितना है 350, जो कि ऑप्शन बी में है। तो इस तरह से हमने ये तीन क्वेश्चन सॉल्व किए, तीनों क्वेश्चन जो थे डिफरेंट क्वेश्चन थे और तीनों क्वेश्चन को हमने इजीली सॉल्व किया। जहाँ पे ट्रिक का इस्तेमाल हुआ ट्रिक हमने यूज की और नहीं ट्रिक का इस्तेमाल हुआ तब भी हमने क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लिया। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे जो मेरा जो वीडियो आया तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।